बीकानेर मंडल के DRM आशीष कुमार ने आज महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत के तहत 16,49,00,000 रुपए से चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर दैनिक रेल यात्री महासंघ के प्रधान राम निवास पटौदा ने उनको 7 मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं DRM आशीष कुमार के आते ही स्टेशन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस मौके पर GRP और RPF के अनेक जवान उनकी सुरक्षा में तैनात हो गए। इस दौरान DRM आशीष कुमार ने अमृत भारत योजना के तहत बन रहे स्टेशन के भवन का जायजा लिया और डिवीजन इंजीनियर को निर्धारित समय पर काम करने के आदेश भी दिए। DRM आशीष कुमार ने बताया कि इस स्टेशन का अमृत भारत के तहत सुधारीकरण हो रहा है। क्या प्रोग्रेस चल रही है और कब तक काम पूरा हो जाएगा, क्या सुविधाएं नहीं है, उसी का जायजा लेने के लिए वो यहां पहुंचे थे। सर, आज अचानक आपने महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन का दौरा किया, तो उसमें क्या पाया, क्या कमियां देखी, कैसे क्या? जैसे आपको मालूम है कि ये स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत इसका सुधारीकरण हो रहा है, तो जो कार्य चल रहा था उसी का निरीक्षण करने आए थे कि क्या प्रोग्रेस है और कब तक हो जाएगा और क्या क्या इसमें और सुविधाएँ देनी हैं, इसका जायजा लेने के लिए मैंने दौरा किया। एक मटेरियल को लेकर सर, कई बार इस पर चर्चा रही है कि मटेरियल बहुत हड़का रहा है, तो वो भी आपने चेक किया है, तो उसके बारे में भी? जो भी मटेरियल है, एक रेलवे का प्रोसीजर है क्वालिटी कंट्रोल का, उसको चेक करने के बाद ही मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो उसको प्रक्रिया को हम लोग इंश्योर करते हैं, जो प्रक्रिया फॉलो हो, जो भी हमारे पास फीडबैक आता है उसका हम प्रॉपर जांच कराते हैं, उसके बाद ही आगे। लोगों की काफ़ी लंबे समय से मांग है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सुविधाएं न के बराबर है, न टिल सेट है, न शौचालय है, न पानी है। नहीं, वो लगवा रहे हैं फेस, इस बार पानी की और जो भी नया ओवरब्रिज की है, ट्रेन गाइडेंस का, जो कोच गाइडेंस का है, डिस्प्ले सिस्टम है, वो लगा रहे हैं, तो काफ़ी सुविधाएं हम दे रहे हैं और धीरे धीरे फेस्ड मैनर में, क्योंकि जितना बजट सैंक्शन हुआ था उस बेसिस में जो बेस्ट काम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और धीरे धीरे जैसे और भी रिक्वायरमेंट्स आएंगे उसके बेसिस। इसमें टिन शेड की भी व्यवस्था रहेगी सर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर टिन शेड की व्यवस्था भी रहेगी? उसको भी इसमें कुछ है और कुछ हम प्लान किए हैं, फेज 2 में प्लान किए हैं। एक गाड़ियों के ठहराव की भी बड़ी वो है, एक तो दुरंतो गाड़ी है जो है काफ़ी लंबे रूट की गाड़ी है, इस पे नहीं, वो आप लोग का जो सुझाव है मैंने ले लिया है, और बाकी तो ठहराव की तो जो पावर है वो रेलवे बोर्ड ही करता है, मंत्रालय से ही होती है, बट आप लोग की रिक्वेस्ट हम लोग भेज देंगे जैसे कि उचित स्तर पर, जिससे कि वहीं दैनिक रेल यात्री महासंघ राम निवासी पटौदा ने बताया कि उन्होंने DRM को 7 मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने नई ट्रेनों को चलवाने के लिए, ट्रेनों के विस्तार के लिए, ट्रेनों के फेरे बढ़वाने के लिए और सुपर फास्ट गाड़ियों के ठहराव के लिए मांग की। हमने इसे चांचक का भी पता लगाया था 10 मिनट पहले, भी DRM साहब आ रहे हैं, आने में हमने जो ज्ञापन भी दे दिया 7 मांगों का अपना, और हमने जो मेटेरियल जो लग रहा है इसकी भी हमने कहा कि जांच करनी चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का जो उसने ये मेटेरियल नहीं लग रहा, कुछ 2 ट्रेन नहीं रुक रही उसको रुकवाने के लिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पूरे बच्चे आते हैं देश से, तो हमें कहा कि भाई हमारी इनकम लगभग 1.5 लाख इनकम डेली है और राजस्थान के छोटे छोटे स्टेशनों पर गाड़ियाँ रुक रही हैं, और महेंद्रगढ़ तो जिला का स्टेशन है, यहाँ रुकनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई मैं इसकी प्रक्रिया करके, और रेलवे बोर्ड का ये काम है और मैं पूरी कोशिश करूँगा, DO लेटर लिखूँगा और आपकी ये समस्या जो आपने जो मांग पत्र दिया है इस पर मैं पूरा जो है हम करेंगे, आश्वासन ये दिया। कौन सी 2 ट्रेन है ये? अपने बाड़मेर से हावड़ा, दुरंतो बाड़मेर हावड़ा,